भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झामुमो और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक पर सरकार को घेरते हुए कहा कि गठबंधन सरकार ने झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। श्री चौहान ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे दलाल नौकरी पोस्टिंग बेच रहे हैं और खान खरीजों की लूट हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को बचाने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी है। तुम क्या क्या खरीदोगे, यहाँ हर चीज बिकती है, ये तो बेच रहे हैं, ये पोस्टिंग बेचते हैं, ये नौकरी बेचते हैं और खनिज की लूट जैसी हो रही है, पैसा सब इनके घरों में जा रहा है, तो तबाह और बर्बाद कर दिया। और इसलिए तो झारखंड को बचाना और विशेषकर माटी बेटी और रोटी।